Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social and Political Life, volume 2, class 7th, okay? And chapter number 7, Understanding Advertising, okay? Chapter number 7, Understanding Advertising, and today we have to start from page number 89, okay, page number 89. So let's start students. This is video 4, all right, video 4, okay. So it also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. We forget that the quality of a product has little to do with the packaging that it comes in. The shift to packaged products negatively affects the sales of several small businesses, forcing people out of their livelihood. Okay, so it also makes us believe that things that are packaged and have a brand name, okay, and have a brand name are far better than things that do not come in packets, okay. So it also make us, यह हमें बताता है, ठीक है, it also make us, विज्ञापन हमको यह भी बताता है, यह विश्वास हमें दिलाता है, that things are that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come इन पैकेट्स. तो विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नाम वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर होती हैं. तो यह विज्ञापन हमें क्या करता है, अपने विज्ञापन के द्वारा हमें यह विश्वास दिलाने लगता है. वी फॉरगेट दैट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हैज लिटिल टू डू विद द पैकेजिंग दैट इट कम्स इन, ठीक है. और स्टूडेंट्स, हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसकी जो गुणवत्ता का उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है, तो हम इस बात को भूल जाते हैं. दिस शिफ्ट टू पैकेज्ड प्रोडक्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस, फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ देयर लेवलीहुड. ओके, तो लोगों को पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनमें वे नकारात्मक रूप से इसमें प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, वे अपनी लेवलीहुड को छोड़ देते हैं. तो स्टूडेंट्स, विज्ञापन हमको यह विश्वास दिलाता है, ठीक है, जैसे हमने अभी विज्ञापन कंपनी के बारे में पढ़ा, कुछ हमने विज्ञापन्स भी देखे, ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे, तो हमें यह पता चला कि विज्ञापन हमको यह विश्वास दिलाने लगता है कि जो पैकेट्स हैं, पैकेट में जो बंद ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं वे पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर हैं. ओके, और हम यह भी भूल जाते हैं. ओके, वी फॉरगेट दैट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ लिटिल टू डू विद द पैकेजिंग दैट इट कम्स इन. और हम यह भी भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं होता. लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपने व्यवसाय को, अपनी आजीविका को, अपने लिवलीहुड को क्या करते हैं, वे छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. ओके, इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल, ओके, ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर. दे आर नॉट द फेसेस वी मोस्ट ऑफन सी इन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइव्स एज वर्थलेस. ओके, सो इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, ओके, इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, इन विच ऑल पीपल आर इक्वल, जहाँ पर कि सभी लोगों को समान है कहा जाता है, मीन्स कि जहाँ पर सब लोग समान हैं, एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ओके,
एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर. तो लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं और जहाँ सभी को डिग्निटी लाइफ में सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहीं जो ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं. ठीक है, तो ये गरीबों के सम्मान को क्या करते हैं, उनके सम्मान में लैक ऑफ रिस्पेक्ट कमी करते हैं. दे आर नॉट द फेसेस वी मोस्ट ऑफन सी इन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइव्स एज वर्थलेस. ओके, और उनके चेहरे विज्ञापनों में जैसे कि यह बताया जाता है कि सभी जहां सभी को सम्मानीय जीवन जीने का योग्य अवसर मिलना चाहिए, वहां गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर मिलती है. और जो उनके चेहरे हैं, गरीबों के जो चेहरे हैं, वे विज्ञापनों में नहीं दिखाई जाते हैं. ठीक है, तो जो गरीबों के चेहरे हैं वे विज्ञापनों में नहीं दिखाई जाते, और इसलिए हम उनके जीवन का कोई महत्व नहीं समझते. हमें उनका जीवन नगण्य लगता है, महत्वहीन लगता है. ठीक है, तो जैसे कि लोकतंत्र में जहाँ सब लोगों को समान समझा जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं, वहीं सभी को सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, लेकिन विज्ञापन जो है वह गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे विज्ञापनों में कहीं भी नहीं दिखाए जाते. वहाँ पे बहुत ही अमीर लोगों को, धनी वर्गों को, धनाढ्य वर्गों को ही विज्ञापनों में शामिल किया जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से जो गरीब लोग होते हैं उनके जीवन को कोई महत्व एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं दिया जाता, उनको महत्वहीन समझा जाता है. ओके, एडवर्टाइजिंग. ओके, एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस ऑल्सो टेंड्स टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड. दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस एंड बेस्ट केयर दैट ब्रांड प्रोडक्ट्स अपेयर टू ऑफर. ओके, तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस. ओके, टू पर्सनल इमोशंस. सो एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस ऑल्सो टेंड्स टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड. ओके, तो जो ये विज्ञापन है स्टूडेंट्स, विज्ञापन लोगों की जो निजी भावनाएं हैं, ठीक है, उनको बुलाता है, निजी भावनाओं को पुकारता है. ऑल्सो टेंड्स टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड. ओके, इसलिए कई बार जब लोग वह विज्ञापित वस्तु को नहीं खरीद पाते अपनी गरीबी के कारण, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है. दे फील बैड. ओके, दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस द बेस्ट केयर दैट ब्रांड प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर. तब उन्हें यह महसूस होता है कि वे अपने जो प्यारे लोग हैं, जो प्रिय लोग हैं, उनको वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा कि विज्ञापन में दिखाया जा रहा है. ओके, तो इस वजह से उनको काफी बुरा लगता है. ओके, एडवर्टाइजिंग बाई फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प अस फॉरगेट अबाउट इशूज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी, ऑल ऑफ विच आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वलिटी इन आर डेमोक्रेसी. मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स टेल अस हाउ वी शुड लाइव अवर लाइव्स एंड वट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हाउ वी शुड एक्सप्रेस अवर लव, वट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल. एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन अवर लाइव्स. ओके, By critically understand what advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not. Okay, so advertising by focusing on the lives of the rich and famous help us forget about issues of poverty, discrimination and dignity. Okay, all of which are central to the functioning of equality in a democracy. तो जो students विज्ञापन है, विज्ञापन धनी, अमीर और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके, रिच एंड फेमस, ठीक है, धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें
गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं. ओके, ऑल ऑफ विच आर सर्टेन टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वलिटी ना डेमोक्रेसी. ठीक है, तो जिनका सम्मान किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती. ओके, तो जो विज्ञापन है, विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती. ऑफ इक्वलिटी ना डेमोक्रेसी. मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स टेल अस हाउ वी शुड लिव अवर लाइव्स, व्हाट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हाउ वी शुड एक्सप्रेस अवर लव, व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल. ओके, तो स्टूडेंट्स, उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के अलावा विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं, दृढ़ शक्तियां जो हमारी हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, और साथ में जो हमारे सपने हैं वे कैसे होने चाहिए, हम अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें, और हमें एक्टिव, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है. तो ये सब भी एडवर्टाइजमेंट में हमें बताया जाता है. एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन अवर लाइव्स. ओके, और स्टूडेंट्स, लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले जो बहुत गहन प्रभाव हैं, बहुत अधिक प्रभाव है, उसके बारे में हमें अवेयर रहना जरूरी है, हमें सजग रहना जरूरी है. ओके, By critically understanding what advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not. Okay, तो विज्ञापन क्या करते हैं, ठीक है, विज्ञापन क्या करते हैं, इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें यह वस्तु खरीदनी है या नहीं खरीदनी है. ओके, तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरा ये है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए. ठीक है, आप भी एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत सारी डिमांड्स करते हैं बिना कुछ सोचे समझे अपने पेरेंट्स से. ठीक है, तो पहले उस चीज़ की वैल्यू समझिए, उस चीज़ की नीड समझिए, और क्या ये एडवर्टाइजमेंट सब कुछ सही कह रहा है, उस चीज़ को पर भी आपको फोकस करना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप इस पैराग्राफ को देखेंगे कि जो विज्ञापन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जिसे आप ऐड बोलते हैं, ठीक है, तो जो एडवर्टाइज है वह धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एंड डिग्निटी, आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती. और उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं, ठीक है, विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे से जीना चाहिए. ओके, और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी, ठीक है, जो हमारे एस्पायर एंड ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, वे कैसे हों, हम अपने प्रेम को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे व्यक्त करें, कैसे जताएं, और हमें एक्टिव, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य भी, स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल. ठीक है, हमें एक्टिव होने का, सफल होने का, सुंदर होने का तात्पर्य क्या है, यह भी हमें बताता है लोकतंत्री समाज का नागरिक होने के नाते. ठीक है, हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले गहन प्रभाव के बारे में अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और विज्ञापन क्या करते हैं, ठीक है, वे क्या कह रहे हैं, वे क्या करते हैं, तो इसके बारे में हमें तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि हमें वह वस्तु खरीदनी है या नहीं खरीदनी है. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, वन फिगर यू कैन सी, दिस इज द फिगर ऑफ Juice sellers like this one are losing customer who because of advertising prefer branded drinks. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऐसे रस निकालने वाले अपने
ग्राहक गंवाने लगते हैं। जो जो ऐसे जूस निकालते हैं तो उनके ग्राहक कम होने लगते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, वो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रेफर ब्रांडेड ड्रिंक्स, क्योंकि वे विज्ञापनों के प्रभाव में ब्रांडेड पेय पदार्थ ही खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जूस बेचने वालों का व्यवसाय खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 88, हम यहाँ पर सोशल एडवर्टाइजिंग भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग मीन्स सामाजिक विज्ञापन, ठीक है। सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रेफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द स्टेट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। ओके, दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। द फॉलोइंग आर टू सोशल एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, फर्स्ट वन सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल राइट्स ऑफ डिसएबल्ड चिल्ड्रेन। ओके, सो सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है स्टूडेंट? सोशल एडवर्टाइजिंग मीन्स है सामाजिक विज्ञापन, ठीक है। सोशल एडवर्टाइजिंग मीन्स सामाजिक विज्ञापन। तो सामाजिक विज्ञापन क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाई द स्टेट और प्राइवेट एजेंसीज दैट have a larger message for society, ठीक है। तो सरकार व जो निजी संस्थाएं हैं, ठीक है, स्टेट और प्राइवेट एजेंसी, जो सरकार व निजी संस्थाएं हैं, ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ठीक है। और ये जो होते हैं, द फॉलोइंग आर टू सोशल एडवर्टाइजमेंट, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। कौन? जो कि सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश को पहुंचाया जा सके, प्रसारित किया जा सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ दो सामाजिक विज्ञापन दिए गए हैं, द फॉलोइंग आर टू सोशल एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए देखते हैं, पहला सोशल एडवर्टाइजमेंट है स्टूडेंट्स, फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट टू, ठीक है। तो फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट टू मीन्स स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक सामाजिक विज्ञापन दिया गया जो हमें बता रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम स्वतंत्र हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट विज्ञापन दिया गया है, हाउ एवर फास्ट यू ट्राई द ट्रेन इज ऑलवेज फास्टर देन यू, ठीक है। तो दूसरा हमें कहता है कि आपकी रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, हाउ एवर फास्ट यू ट्राई, कितना भी आपकी रफ्तार तेज हो, द ट्रेन इज ऑलवेज फास्टर देन यू, लेकिन रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये भी क्या हमें बता रहा है, एक सामाजिक संदेश हमें दे रहा है सामाजिक विज्ञापन के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे हमें, आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, तो जिसका संदेश होता है कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार हमें नहीं करना चाहिए, मीन्स कि किसी भी रेलवे क्रॉसिंग को जब तक ट्रेन न गुजर जाए हमें बीच में उसे पार नहीं करना चाहिए। तो ये क्या संदेश दे रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि कैसे असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन दिया जा रहा है इस मैसेज के द्वारा, इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, जिसमें ट्रेन के आते हुए पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं और एक ट्रैक्टर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये संदेश दिया गया है इस पिक्चर के थ्रू, दैट हाउएवर फास्ट यू ट्राई, आप कितना भी तेज क्यों ना हो, आपकी रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, द ट्रेन इज ऑलवेज फास्टर देन यू, लेकिन ट्रेन की रफ्तार आपसे ज़्यादा ही होती है, चाहे आपकी रफ्तार कितनी ही हो। और स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट टू, जैसे कि फ्रीडम स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये बताया गया है, ये संदेश दे रहा है सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल राइट्स ऑफ डिसएबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड मीन्स बोला जाता है विकलांग बच्चों को, ठीक है। तो ये संदेश हमें दे रहा है कि विकलांग बच्चों को शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित सामाजिक विज्ञापन यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे विज्ञापन दिए गए हैं जो हमें बहुत अच्छे संदेश देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलवेज स्टे अलर्ट और अनमैंड अलर्ट एट अनमैंड लेवल क्रॉसिंग, यानी थोड़ा सा समय बचाने के
लिए अपने को मौत के मुंह में ना धकेलें, आप कभी भी लेवल क्रॉसिंग में रुक जाएं जब तक ट्रेन ना आए। तो इस प्रकार के संदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सामाजिक संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश क्या होते हैं? जो सामाजिक विज्ञापन के द्वारा दिए जाते हैं। मीन्स सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश को पहुंचाया जा सके, प्रसारित किया जा सके, ये सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। ओके, सामाजिक संदेश या सामाजिक विज्ञापन ये कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लोज्ड। ओके, सो टुमारो आई विल बी बैक विथ अ न्यू चैप्टर्स। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।